हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द साइक्लोट्रॉन, इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल एंड इट्स लिमिटेशंस। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और इट इज़ प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इट विल एक्सपीरियंस इज अ फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस इज ए फोर्स, तो वी विल डिस्कस। ओके, तो यहाँ पे हमने डायग्राम में दिखाया बेटा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और यहाँ पर जो करंट है इट इज़ फ्लोइंग इन द कंडक्टर फ्रॉम पी टू क्यू। तो दिस इज़ द कंडक्टर, मेटल कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पी टू क्यू। ओके, इट मीन्स डायरेक्शन क्या है, प्लस वाई एक्सिस के लोग। तो डायरेक्शन किसके लूँगा भाई, अलोंग द प्लस वाई डायरेक्शन है करंट की, और प्लस जेड के एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो स्टूडेंट्स, आगे मैं बताऊंगा भी आपको जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बी एंड आई, तो दैट इज अलोंग प्लस एक्स एक्सिस। तो वो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक बात है स्टूडेंट्स, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पी टू क्यू। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो कर रहे हैं, क्यू टू पी, अपोजिट डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स की टू द करंट। तो जो ड्रिप वेलोसिटी है दैट इज फ्रॉम क्यू टू पी, तो द ड्रिप वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है। अच्छा, ओके, तो करंट आप लेंथ कितनी है इस कंडक्टर की, स्मॉल एल क्या है, लेंथ इज द एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और एरिया क्रॉस सेक्शन की तरह ले लिया हमने ए। तो अगर मैं आई को एल वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट द करंट एलिमेंट। तो आई एल वैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द करंट एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में है, तो इट इज रिप्रेजेंट द करंट एलिमेंट। ओके, अब देखिए, करंट एलिमेंट के डायरेक्शन इस तरफ है, ड्रिप वेलोसिटी के डायरेक्शन उस तरफ है, तो बोथ आर अपोजिट टू इच अदर, क्योंकि यहाँ पे किसके डायरेक्शन है भाई, आई इंटू एल वैक्टर। तो करंट एलिमेंट वैक्टर के डायरेक्शन इस तरफ है और ड्रिप वेलोसिटी के डायरेक्शन उस तरफ है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बताइए कि जैसे ही आप करंट वाई एक्सिस में फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड दी वाई डैश डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं चार्ज पार्टिकल है, और कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। चैप्टर फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक यह है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर फोर्स लगता है, और फोर्स कितना लगता है वो जनरल एक्सप्रेशन में आपको लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल टू क्या वी क्रॉस बी, ठीक है जी। बट हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो हर इलेक्ट्रॉन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, और देखिए यहाँ पे फोर्स भी कौन सा लगेगा, लॉरेंट्स फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में भी है चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम, ईच इलेक्ट्रॉन Each electron experiences a magnetic Lorentz force. Magnetic Lorentz force. Okay. Each electron experiences a magnetic Lorentz force. और बेटा वो कितना, किसके लॉन्ग Lorentz force किस के लोंग होगा वो देख लीजिए, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ होगा वो फोर्स, मैं डायरेक्शन से भी निकालूंगा आपको। तो ये फोर्स की डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस के लोंग होगी, तो वो फोर्स मान लेते हैं दैट इज़ एफ। वन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लिया, अभी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, देखो इस इक्वेशन को कॉपी करते हैं, एफ इजिकल टू क्या वी क्रॉस बी, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज ई, चार्ज माइनस साइन होता है इलेक्ट्रॉन पे, और ड्रिप वेलोसिटी यहाँ पे वी को रिप्रेजेंट करते हैं वी डी से, और मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज। तो दिस इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा लिया, इस पे इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं इसको। ओके, अब हम मान के चलते हैं बेटा, मानते हैं कि इस कंडक्टर में पहले हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकाला है। पहले इस पूरे कंडक्टर की बात करें, तो इस कंडक्टर पे हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे। पहले मान के चलते हैं, मानते हैं कि जो स्मॉल एन है, मान लेते हैं स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं मान के चल रहा हूँ बेटा, या कंसीडर करके चल रहा हूँ कि जो स्मॉल एन है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इट मींस यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज स्मॉल एन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई, अगर मैं क्या करूँ एन को मल्टीप्लाई कर दूँ वॉल्यूम के साथ, तो क्या आ जाएगा भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एन क्या, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, टोटल
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने माने हैं, वो कैपिटल एन माने हैं भाई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर दैट इज कैपिटल एन, और वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई वॉल्यूम, क्योंकि जो एन है, एन क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आ गया। तो इट मींस अगर हम क्या करें, स्मॉल एन को वी से मल्टीप्लाई करें तो कैपिटल एन आता है। अच्छा, स्मॉल एन वॉल्यूम क्या है इस कंडक्टर की, एरिया इंटू लेंथ, दैट इज वॉल्यूम। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकाल दिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया भाई स्मॉल एन इंटू एल। अब एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ये है बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगी भाई, टोटल फोर्स निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी आपकी, टोटल फोर्स निकल जाएगी। तो बताइए अब टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर, टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर। अच्छा बताइए, अभी बताया था मैंने वैसे टोटल फोर्स निकालेंगे, तो टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी थी, स्मॉल एफ थी बेटा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, एन, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। एन की वैल्यू कितनी है भाई, स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू एल, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस ई वी डी क्रॉस बी, ये आपकी फोर्स थी। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स ये है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल फोर्स निकल गई इस कंडक्टर के ऊपर, नेट फोर्स। ठीक है जी, यहाँ तक सभी को क्लियर है मुझे लगता है। अब देखिए, मैंने अभी दोबारा बता रहा हूँ आपको, जो आई एल वैक्टर है, ये वैक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट ए करंट एलिमेंट वेक्टर। आई एल वैक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट ए करंट एलिमेंट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और वी डी क्या है, उसके अपोजिट है। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखिए ये यहाँ पे अगर सिंपल सी बात करें, तो अगर हमारा एल इंटू वी डी वैक्टर है, एल इंटू वी डी वैक्टर है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि हमारा यहाँ पे है ना सिंपल, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। एन ए, ठीक है जी, एन ए, ई को बाहर ले लेता हूँ, ई को बाहर ले लिया मैंने, अंदर लेके चला गया बेटा एल, दैट इज माइनस एल। ओके, और इसको लिख दिया मैंने ऐसे, वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, वी डी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। अब देखिए, एल इंटू वी डी वैक्टर, अब मैंने बताया वी डी वैक्टर की जो डायरेक्शन है वो एल वैक्टर के क्या भाई, अपोजिट है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं वैक्टर लगाना चाहता हूँ, अगर मेरा यहाँ पे माइनस है, देखिए माइनस एल इंटू वी डी वैक्टर है ना, इसको मैं सोलो कराऊँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी डी इंटू एल वैक्टर, पॉजिटिव आ जाएगा वी डी इंटू एल वैक्टर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए वी डी के वैक्टर की जो डायरेक्शन एल से क्या अपोजिट है, अगर मैं एल के ऊपर वैक्टर लेके आता हूँ तो इसका मतलब क्या है, मिड डायरेक्शन एल के अलोंग हो जाएगी, और वो अपोजिट है वी डी के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जहाँ पे माइनस एल वी डी है, वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी इंटू एल वैक्टर लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा एन ई ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, वी डी एच डी आ जाएगा, एल के ऊपर वैक्टर आ जाएगा, किसके ऊपर वैक्टर आ जाएगा, एल के ऊपर वैक्टर आ जाएगा, तो एल क्रॉस बी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब हम बाहर निकाल लेंगे और उसको सोलो कर लेंगे, तो देखते हैं। तो नेक्स्ट अब क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी को बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाता है, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रह जाता है आपका, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको पता है चैप्टर सेकंड में, एन ई ए वी डी क्या है, दैट इज करंट। ठीक है जी, दिस इज द एफ वैक्टर इज इक्वल टू पाई एल क्रॉस बी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। ओके, तो अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है, वो मैग्नेटिक फोर्स हमने निकाल दी आई एल क्रॉस बी। अब यहाँ पे हम स्पेशल केस अगर राइज करते हैं इसी एक्सप्रेशन से, तो हम यहाँ पे स्पेशल केस भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, F वेक्टर इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी था बेटा, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, स्पेशल केस में फर्स्ट केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट क्या है, अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है भाई, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल है, ये कह सकते हैं ना। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, कंडक्टर करंट। तो अगर थीटा इज जीरो, इसका मतलब क्या है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड है। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसका मतलब बी
बी कंडक्टर के पैरेलल हो जाए तो क्या होगा, एंगल जीरो हो जाएगा, एंगल जीरो हो जाएगा तो थीटा जीरो, तो एफ इजिकल टू आई एल बी साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, तो फोर्स भी कितना आ गया जीरो। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका जो आपने जेड एक्सिस के लोग लगाया है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के पैरेलल लगाते हो अलोंग द मान लीजिए प्लस एक्स प्लस वाई लगाते हो अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्टर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा पैरेलल केस में, ठीक है। सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड केस क्या है, इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, इसका मतलब क्या है, जो कंडक्टर है वो कंडक्टर क्या है मैग्नेटिक फील्ड के क्या परपेंडिकुलर है, या यू कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कंडक्टर। तो थीटा 90 डिग्री, तो फोर्स इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, साइन 90 कितना हो गया बेटा 1, तो फोर्स कितना आ गया इस केस में आई एल बी, तो क्या लग गया भाई बेटा मैक्सिमम फोर्स लग गया इस केस में, क्या लग गया भाई मैक्सिमम फोर्स। तो अगर आप चाहते हो कि कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अब जो देखो आपने फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल दी एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, अब उसकी डायरेक्शन किससे निकालेंगे, डायरेक्शन हम निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, डायरेक्शन किससे निकालेंगे बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम क्या करें, हमारे लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर फोरहेड या मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से परपेंडिकुलर रखें, किस प्रकार से रखें कि जो हमारा फर्स्ट फिंगर है इट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, इट रिप्रेजेंट इट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वन, और मिडिल फिंगर ये रही, ये मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द करंट, तो जो मेरा थंब है वो किस तरफ है, बाहर की तरफ है, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है देखो, जो फर्स्ट फिंगर है ये रही, ये वाली ये फर्स्ट फिंगर ये किसके लूंगा, जेड के लूंगा भाई मेरा, ठीक है, बी को रिप्रेजेंट करेगी, और ये मिडिल फिंगर वो वाई के एक्सिस के लूंगा, करंट को रिप्रेजेंट करेगी, जो थंब है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, इट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या जो भी है, ठीक है। तो ये फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमने इसकी क्या निकाली बेटा, डायरेक्शन निकाली, एक बार दोबारा देख सकते हो, लाइक दिस वन, जो थंब है वो परपेंडिकुलर है, जो फर्स्ट फिंगर है वो अंदर की तरफ है, यानी कि या आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइक दिस वन, ठीक है जी। ये करंट है आपका, ये मैग्नेटिक फोर्स है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द टॉपिक ऑफ एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।